तुम हो शांत स्वभाव के, अबे नहीं देखा डब्बू हने हर साल मेड़ पटात और तुम उनसे कछु नहीं के। जब उन्हें चूरा मन की मेड़ पटाई थी। हम जतावे आए हैं बच्चा। ए भैया ए हे दादा, जमीन तो न बेचता। चलो तो नन्नू घर जाओ। चल काओ तोरी कौन समय है आ गो। स्पष्ट ही के दई उनने तो सुद्दई के हम जमीन न करन ने वर को न हो तो अगर बड़े भज्जा मैं गंडे आ तो छांट देतो की मूड़ू पर की। अरे कैतियन से मनो जे का है डरात है माए बड़े भज्जा का पता काय खों डरात। कछु को नहीं डरात भज्जा, हम ने आए खों डरात है। बाप खुन रात के अपने हाथ से कछु गलत नहीं करने अपन, उनको करो वे भोग है यार, अपनो करो अपन भोग भी है। सो करत करत में पूरी जमीन नहीं चली जे हो, जमीन न कर पे हो तुम। हम जा तुमसे कह रहे, हमने उधर ना तुमसे कही थी लातों के भूत बातों से नहीं मानत, मानो तुम नहीं समझे। अरे भज्जा तू का करन लगी के यार, अपन गरीब आदमी यार, अब ज्यादा कछु बड़ो बर्बाद भी तो नहीं पाल सकते यार। तुम तो घरे बैठो और रोटी बनान लगो, तुम्हारे बस को जो आई है बस और कछु नन्या। जब बड़ी बातें आए तो बीच में नहीं उच्च कर गयो, तना बात को समझू कर गयो, इतने बड़े सोई नहीं आवे तुम जाबरे। तुम्हारा जो है बगड़ गवा है और कछु नहीं, यही न तुम्हें टन्ने में बैठा दो न तुम कबाऊ न कहते। मनो एक बात ध्यान है, अच्छे से नहीं समझ रहे सो बारो फॉर्मूला तुम तो अजमाओ बिट गया की क्यों उनसे शुद्ध मारो तुम संग हम दे रहे। नहीं सो जा तो हम उनसे के आए के खेती तो हम कर रहे हैं और जमीन में कर जा, हम के आए हैं वहाँ पे के आए, डरात नहीं है अपन, शरीफ हैं, सीधे नहीं है, जितने भी सीधे समझ रहे हैं उतने सीधे नहीं है भज्जा, हम शरीफ जरूर हैं, शरीफ है मनो यार, इंसानियत नहीं छोड़ सका, सराफत नहीं छोड़ सका। तनक तो छोड़ नहीं पा रहे अब, कहे कि ऐसा चल है ना, कब तक चले अब तुम खुद बताओ यार अपने हिसाब से। अब हम जाई तो दिमाग लगा रहे यार के आखिरकार हम करें तो करें का यार। है पता बिट्टू, तुम्हें तो पता ही है इंडियन T20 क्रिकेट शुरू हो रहा है और उनकी लीग को जो बुखार है वो दिमाग पे चढ़ो है, तो अपने नॉलेज को टीवी देखने में फालतू बर्बाद न करो, वो खो यूज करो माई 11 सर्कल ऐप पे, फैंटेसी क्रिकेट खेलो और मालामाल हो जाओ। माई 11 सर्कल ऐप पे खेलो बहुत आसान है, दो टीमों में से अपने मनपसंद 11 प्लेयर चूज करो, उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर है पॉइंट, और अगर उनकी टीम से ज्यादा पॉइंट तुम्हारी टीम के भय तो मजेदार कैश प्राइज भी मिल है। और सबसे हॉटनेस बारी चीज तो जा है कि माई 11 सर्कल पे 1 करोड़ तक को प्राइज है भाई, और कौन ऐप पे नहीं है जा चीज 1 करोड़ को इनाम, तो सोचो अगले बिना तुम भी हो सकत। और अगर तुम हमारी डिस्क्रिप्शन में दई लिंक से डाउनलोड करत हो या फिर हमारा कूपन कोड यूज करत हो तो तुम्हें स्पेशल ऑफर मिले। पहलो स्पेशल ऑफर तो जो है कि तुम्हें माई 11 सर्कल पे तुम सुपर लेजेंडरी BS लक्ष्मण की टीम के संग भी खेल सकत हो, और अगर तुम उनकी टीम को ब्रीड करो तो तुम्हें 5 गुना ज्यादा कैश मिले, और अगर तुम हमारा कूपन कोड यूज करो तो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा कैश मिले फर्स्ट डिपॉजिट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 1,000 रुपया डिपॉजिट करे तो तुम्हें मिले 1,200 रुपया, और अगर तुम आज ही डाउनलोड करो तो तुम्हें 1,500 रुपया को वेलकम बोनस भी मिले। तो बैठो बैठो इंतजार न कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो बस जाके डाउनलोड कर जल्दी, और हमारा कूपन कोड भी यूज कर दीजिए, मैं स्पेशल बेनिफिट मिल जाए, कर जल्दी डाउनलोड कर रहे अब हम जाई तो दिमाग लगा रहे यार के आखिरकार हम करें तो करें का यार, मतलब हम गए थे के बैठ के बातचीत कर लें के भज्जा इंसानियत के नाते और नियम कानून से जहाँ से तुम आई है वो तैसा करो, काय को मेड़े खुद रहे तुम हर साल है, और जहाँ से हम आई है हमें करन दो काय हो मतलब। लेकिन वो उनको तो यार उनकी मानसिकता हम समझ गए, वे अत्याचारी स्वभाव के आदमी हैं और वे ने तो खुद सुख से जियत आए उनने जियन दे हैं भी, हमें ऐसा लग रहा हो यार उनकी बुद्धि भ्रष्ट है समझ रहे, उनको वो जो है डाबर सिंह वो अपने हल्के भज्जा दे हैं छूट, वो कौन हुआ था वो बन जाते हैं बोलो, तुम खुद न गए उन्हें तुमने देखो उज्जे वो मोड़ा है पेड़ दे थे वो करा थे टुच टुच। सो हम उनमें दें और उनके डावर के भज्जा में दें।
फालतू का है लड़ाई भड़ाई मोल ले रहा है यार। अब हम तो जा सोचत के लड़ने न पड़े यार, और अपन लड़बे लाख नहीं अपन यार अच्छे भले परिवार से हैं, अपने तो कबों को खानदान में लड़ाई भड़ाई भाई नहीं है बज्जा, अपने तो पूरे गांव में कौन नहीं लड़े यार, सब जने अपनों करा थे और खा थे रोजी रोटी कर रहे, सब जने रोजी रोटी के लाने संघर्ष कर रहे यार, इतने बड़े तो अपन है नहीं है। तो मोदी ने समझा भी तो आए भी मान रहे का कह रहे थे, कह रहे थे हम तो तुम करके बता जो खेती, अब तो हमारे हिसाब से तुम ही कहीं करो, तुम धार दो नहीं अगर हमने माने, सुन रहे तो काम तमाम हो जी, एक आध बार रपटी आ दे अच्छो कब उन्हें आए वे तुम्हारे मेड़ पे, और तुम्हारे बस की न हो सो हम जा रहे सो हम रपटे आ रहे। ए बेटा तुम ने अपनाओ, तुम्हारे बस को कछु नहीं है, अब तुम कोनों में तुम आए पूछब हुज्जे, हमारे सब बस की है, हम अब जा रहे अब घंटे के यहाँ है। अरे बेटा तुम्हारे बस की नैया, हम तो कह रहे जब तुम्हारा बड़ो भज्जा जो जो सुन के यहाँ गाओ बहू की, तो तुम का हो रहा है इनके यहाँ गए बता जो, हम अबन जा रहा और उनके डावर खो और उनके भज्जा खो अब गंड के यहाँ। अरे मैं गंड पे हूँ तो सुनो तो तुम हो हम बताएं ऐसा ही, हमारे बड़े भज्जा से अगर कोई तो ढका लगा दे वे तो हम 40 गंडा कर दो नरवा में पेड़ दे उतई के उतई गंड दे, तुम्हारे तुम्हारे सुन रहे बड़े भज्जा अब तो आती हो गई, अब तो कुछ हो जाए टावर खो और उनके भज्जा खो अब काट के मते हैं, तुम ने कर पियो बैठो पहले ते बैठो नाव खून है तुम आओ सो खुल बुला रहे हो माए से कोनों पे बाजे बाजे सो भगे आओ ना एक समझ तो और तुम्हें ढका लगा दो, ढका नहीं लगाओ को कह रहा हो हमें ढका जो ही तो कह रहा हो बाबू की कही है ढका नहीं लगाओ ने बाबू की कही है यार भज्जा तुम यार कछू सुना तो कछू के तो हमसे बाबू की हम कब हमें कब तुम ऐसा कही के उनने हमसे बाबू की कही तो मैंने ना कही थी कही भी ऐसा मैं अच्छे नहीं बोले आए उनने उल्टी सीधी आवाज में बात करी है बाप मान रहे लेकिन बाबू माऊ की नहीं कही कहा कहा तो वही है भज्जा मन में गारी नहीं हो चाहे मुँह पे गारी नहीं हो हाँ उनने इतनी जरूर कही है कि तुम खेती न कर पे तो खेती अब अपन कर है सुबह तो हम उनसे कह के आए चलो अब मौ पे कह के आए हम खेती कर रहे हैं और वही खेती पे वही जमीन पे कर रहे हैं या हम दूरी में उनके घर में कह के आए हैं है? लेकिन हम तुम्हें इतनी ये बताबो चाह रहे कि भज्जा अगर तुम उनके घर जाओ जा सको तो इतनी जरूर कह दीजो कि यार एक इंसानियत तो धर्म नाम की भी ये दुनिया में कछु चीज़ें हैं और अगर तुम पाप कर हो तो उसको तुम भोग हो समूल नाश हो जाते जी, कोई पाप करा थे अत्याचार करा थे जा बात तुम उन्हों समझा सको तो समझा दीजो भज्जा, हम तो हर चीज़ के लाने राजी हैं और रही बात के हमारे खेत में पानी है इसे उन्हों जरापन लग रहा हो तो भज्जा चाहे भी हमारी खेती हो जाए तो हम पानी भी अगर भी ले लें एक्स्ट्रा रखो ही रित कूगा तो हम तो ओखों भी तट जा रहे हैं कि कैसे विधि से भी हमसे मित्रता तो कर लें ऐ मनो यार हम तो झुकबे भी तैयार हैं लेकिन विवाद खत्म हो जाए अगर कोशिश करियो यार उनके घर जाओ तुम ठीक है भज्जा कहे हैं हम उनसे कि भज्जा देखो बॉबी बेचारो गरीब आदमी ऐसे तैसे पेट पाल लो मोड़ा खो अपने को भज्जा पढ़ा रहा है करे हम बात समझे हैं मनो भी समझे नहीं यार हम तुमसे कह रहे हैं समझे नहीं भी। भाई तो हमें लग रही है अगर भी अब नहीं समझ है तो फिर उनको अच्छे ही से उपाय देखे अपन तू का बीच में कूद रहा हो जब हम उन्हें अच्छे से बात कर रहे हैं न जा सुन की मैं पेड़ आए तो बड़ो कैसे तुम्हारी लुक लुक आ रही है बेटा तुम्हारा नाम है रघु और तुम में छबो है अब गु तुम लुक लुक आ रहे हो ज्यादा इसे प्यार से अच्छो पहले तुम्हारा तरी को गु छुटा ले उसके बाद कछु सोच गु भज्जा को छुटवा ले अब एक ज्ञान की बात हम दें अगर देखो अच्छी लगे तो तुम्हारा समारण भी हो सका तो बात से हमारी ध्यान से सुनिए तुम्हारी यह लड़ाई विवाद हम सब दूर करवा दें उनके ना हम जे हैं उनको हम सब समझा दें मनो एक बात है तुम दबियो ने अगर तुम दबे तो काम होगा डरा के कबू नहीं रहने अगर वे तुमसे कछु केवे तो तुमसे उनसे ज्यादा की अच्छी उन्हें उनके बाप को खा रहे खुद के बाप को खा रहे तुम डरा भी तो हम उनके दौरे में उनके घर में नहीं डराने जब घर गए थे उतने भी हमने कालर पकड़ गयों के वो भज्जा की वो के आए थे कि गरीब है मनो कमजोर न समझियो एक बात बताए पहले कहा है गब्बर सिंह ने दहशत फैलाई थी उसके बाद उन्हें फिर आरोप करी थी फिर वो जो चाय खो मार डारत तो सो तुम ने करो तुम तो डायरेक्ट तुम खो दब गयो बस ने एक बात ध्यान रखियो हमारी कि तुम दबे और काम होगा समझ गए
बेटा टुल्ली तुम भी ज्यादा नफ न जु अबे तुम पहले वो छोटा ले उके बाद तुम बड़े भज्जा की अच्छी से और एक चीज और ऐसे हम खेत हम जो मानता ही नहीं यहाँ का भज्जा तुम तो अकेले हमारे संग खेती किसानी करवाओ जे सब विवाद लड़ाई झगड़ा जे सब हमें समारा दे तुम लड़ाई में नहीं आज काहे के तुम जज्बाती हो जाते हो फन फनान लगा तो दिमाग को इस्तेमाल करो जाते विवाद लड़ाई उड़ाई का वजह है सही कह रहे दिमाग से खेलो खुद न मारो दूसरे को मरवाओ मानो तुम जा रहे हो सुनकी में पेड़ यार ये सब खुद न करो जी उच्च काम अच्छो भी बता रहे अगर तुम्हें बुराई लगे तो भला ही लग जाए मानो हम ज्ञान अच्छो दे रहे ठीक है भज्जा सुटन ने भज्जा हम इतना ही कहें आखिरी बार एक बार और कहें कि जब भी तुम उनके घर जाओ उन्होंने समझा गया जो कि इंसानियत नाम की चीज होते इस जमीन पे नहीं हम जा ही रहे हाँ और अगर भी पाप कर रहे हैं अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हें भोगना पड़े नहीं नहीं हम जा रहे तो तुम्हारे समारण को वो करवा दे रहे हैं हाँ। एक एक बात ध्यान रखियो दबियो बस नहीं हाँ और तुम भी रघु दबियो नहीं दबे का काम होगा बड़े भज्जा हम जा रहे समझा रहे ठीक है तब देखो का उनके बाप को खा रहे छाती जोट रहे अपन मंजूरी कर रहे मनो मनो कोई आसान नहीं ले रहे यार ठीक है तो हम जा रहे हैं हाँ और तुम खेती करवाओ भज्जा तुम खेती करवाओ वो छुट्टा पूरे खट्टिंग होने हैं सूरत है पूरे खट्टिंग कर भी जाओ भाई ठीक है शाम से जज्जू बड़े भज्जा गए तो खाते तो खाते अरे वो नीम मारे खेत में थ्रेसर लगा दीजिए के हार्वेस्टर करवा दीजिए बड़े भज्जा हमारी मानो तो प्लाव जड़वा दे हाँ हाँ सही कह रहे तुम मेरे है बांस नवाज है बांसरी अपन वो खेत में कोल्ठान खावे चल भी अबे चुप सारे बिल्कुल मजाक समझ रहे का हम मजाक कर रहे सवेरे से बिल्कुल गूखाना हो जाओ दोई के दोई वो के संग लग के तू भी ऐसा ही हो जा रहा नहीं मतलब सलाह ले रहे पिलाव करवा दे छाती पे और तुमोनों की करवा दे रहे पिलाव दिमाग है के नहीं है कहां भैंस में ढोरों के संगे रहो तो ऐसा तो हुज्जे ही सवेरे से कोई काम धंधो नहीं है तनक अर्जस बर्जस करो सूखे टटेरे हो रहा है का कर हो यार का तुम का बता लो गांव में का तुम संसार में बता लो कि हम कौन के भज्जा इतना डर और खौफ कमाओ जो उनके भज्जा ने उनके भज्जा यूं घूम रहा है उनके भज्जा सवेरे से दोई के दोई छत पे मिलो 9 बजे तक वर्जिश करने हम वहां डब्बू भज्जा हाँ नमस्कार नमस्कार जय राम जी डब्बू भैया बड़ी चर्चा चल रहा है आपकी तो के अच्छो गल्लो निकरो है मतलब चर्चा गल्ले की चल रही है और कछु की चर्चा नहीं चल रही अब पहले तो चलत थी कि डब्बू दाऊ ने ओकी घींच मनोर दई ओकी पसरियां तोड़ दई अब बात सुनवे नहीं मिल रही डब्बू दाऊ अब तो भज्जा की चर्चा सुनवे मिल रही है हटिए तुल्ले भज्जा के पांव पर अरे भैया जय हो तुम्हारी धन हो आप प्रभु धन हो जोन बड़े भज्जा को नाव सुन के आदमी कपट तो पूरे त्रिलोक में भज्जा के नाम को घंटा बजत तो ऐसे हमारे रावण के भज्जा कुंभकर्ण जी आपके चरणों में सत सत प्रणाम हो हमारा सत सत प्रणाम हो क्या इज्जत है
एक भज्जा बना रहा हूँ, दूसरो सब रबुआ दे रहा हूँ। घरंजा के वो नहीं है सब पकड़ लो, घुटकी पकड़ लाई का है। कौन ना पकड़ लाई रे? अरे दैया हमें मुख लुआ रहे तुम। अरे वही जेल चलत हिलत डुलत नन्नू ने, कछु आदमी तो थूक रहा है, कछु उल्टी कर रहा है, वो कर रहा है। क्या नाम आपके? बाबा बाबा। कहा बकवास कर रहा तू? ये भैया बकवास हम नहीं कर रहे, बकवास गांव की जनता कर रही। हम तो पूरे एरिया पूरे गांव में सुन रहे कि वो नन्नू घरे आओ और तुम्हारी घुटकी मस्की और तुम्हारा गुल करे आओ। ये इसे बसा रहा तो कछु। बसा रहा तो? हाँ। सुनो तुमने, घर आए आदमी को हमारे भगवान समझत है ना, तर उनको तो आदो शरीर तेरे तो और आदो जातो घरे सुन के रघु मरघटा में जला रहे होते उनको उन नन्नू को। लेकिन क्या है कि समस्या जा है कि घर आए मेहमान को हमारे भगवान को रूप देख रूप समान मानत और बेईमान है तुम्हें ना तर तुम इतने बैठ न पाते। सुनवे में आई थी चारों तरफ आप कोई जलवा जलवा दिखा रहा हो तो छोटे वीर को इनने बनवा दई, बड़े भज्जा ने इतनी लंबी नाक बनवाई और छोटे वीर ने गिंड दई। अब बात तो कहा बताई है कि घर के कुरवा से आंख फूटत है। बड़े भज्जा की याद आप करा थे ना वो को इन टालसों में गड़ा के इतनी काट के फेंक दे के कोई पता नहीं चलती। तो बड़े भज्जे हाथ पकड़ रहे थे तुम आए, अब भंगेज काट के आए। छोटे भाई प्यारे लखन ज्यादा न अपनाओ ठीक है, अगर खून में गर्मी हती तो वही दिन दिखाने तीओ खो। हमने कहा तो हाथ पकड़ रहे थे और एक इतनी सीढ़ताए हैं तो है कि जाओ जो कोई दिखाए सो हला दो, समार में तो हम बैठे ऊपर से नेचेता मनो नहीं, अगर खून में गर्मी है वो दिन दिखाने दी और अब जो कछु भी करने हैं हमारी खपड़िया के हिसाब से करने हैं ठीक है। तुम कछु ने करते हो कैसे कि आदमी को दिमाग से मारो जा ताकत से नहीं। भैंस या प्यास ये शायद कहे हारे वहां ले आए। आदमों के सामने बेइज्जती नहीं करवाई जाता, ये देखो तुमने आज घरे आके हमारे सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है, इनको तो देख ले हैं। लेकिन बेटा जब हम हल्के हते और पिताजी अपने जिंदा हते तुम्हारी उम्र में हम जोन चाय को छेक क्यों तई गोड़े टोरे आते गोड़े और हमारे पिताजी हमें शाबाशी देते। 18 साल की उम्र में 350 केस है हमारे ऊपर, जोन चाय के गोड़े टोडा रहते छेक के जहां चाय वो तुम्हें तो यार हम बैठे यार तुम्हें का टेंशन आती, हम तो भाई समाज के सामने तुम्हें रोके गलत काम न करो लेकिन तुम्हें दिखाने तो खून में गर्मी और अबे तुम जाओ और अबे ओके गोड़े टोड़े आओ के हल्के भज्जा के तो हम बैठे हैं कोई कछु बार न पटा पे अपनो बार। क्या है देखो इतने से काम के लाने अगर डावर सिंह हो जाने परे तो ऐसे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हुज्जे कुछ नहीं। तुम्हारे काय को है यार, तुम्हारे तो 3-4 गांव को निपटा दे डावर सिंह के भज्जाओ तो प्रतिशोध तो बनत है यार। बताओ गांव के काके रे ऐसे में तो दहशत खत्म हो गई डावर सिंह की। तो तुम एक काम करो बेटा जाओ और वो के हल्के भज्जा को तोड़ दो, कैसे कि वो ननुआ उड़ रहा है वो के हल्के भज्जा पे
काय से वो बाहर से पढ़ाई करके आओ। तो जाओ छोटे भाई, सोने को समय है, तोड़े आओ के घोड़े। बता रहे डावर सिंह को खौफ। सोच रहे थे कि इंसानियत की राह पे चले डावर सिंह, इंसानियत की राह पे चलवे की सोच रहा तो मनो जा दुनिया ने चलन दे है। अब तो डावर सिंह को खौफ फिर से जिंदा हो जे। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना है, लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और माई 11 सर्कल ऐप को लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड चेक आउट। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर...